खेतीबाड़ी ने महिलाओं को कमाई का अच्छा जरिया दे दिया है। खेतों में गेहूं और मक्का जैसी पारंपरिक खेती के अलावा ये महिलाएं कैश क्रॉप यानी सब्जियां भी उगाती हैं। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के लालहड़ी गांव की महिलाओं की जिंदगी की खुशहाली के पीछे है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी जायका। जायका ने साल 2011 में इस गांव में लोन प्रोजेक्ट के तहत पायलट प्रोजेक्ट लगाया। इस प्रोजेक्ट की मदद से पास की एक छोटी नदी से पानी उठाकर किसान के खेतों तक पहुंचाया गया और किसानों के खेत सोना उगलने लगे। पानी की सुविधा हो गई है हमें, इससे हमें खुशी है। हम अच्छी सब्जी पैदावार कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं। पानी मदद करते हैं, वो बीज देते हैं, खाद वगैरह देते हैं, दवाइयाँ छिड़काव करने के लिए देते हैं। हम गेहूं और मक्की उगाते थे ना, अभी तो हमने गोभी वगैरह लगवाई पानी की सुविधा से। सिंचाई का प्रबंध किया है, उसके बाद ये बीज दे रहे हैं हमें, फिर दवाइयाँ स्प्रे के लिए कीटनाशक दे रहे हैं और अच्छी पैदावार हो रही है इससे। अब लालहड़ी के किसान अपने खेतों में हर तरह की मौसमी सब्जी उगाते हैं। यही नहीं, यहाँ के किसान परविंदर ने ग्राफ्टिंग के जरिए आलू पर टमाटर और टमाटर पर बैंगन उगाकर सबको अचंभित कर दिया। जायका ने सिर्फ सिंचाई परियोजना लगाकर किसानों का साथ छोड़ नहीं दिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिन्हें अचार, जैम, चटनी और मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने इस गांव में काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हम औरतें कुछ सब मिलकर काम करती हैं। औरतों के छोटे छोटे समूह हैं और उसमें हम ऐसा करते हैं कि जब हमें सब्जियों के सही दाम मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो हम उन सब्जियों का मुरब्बा, अचार बनाकर अच्छे दामों पे मार्केट में बेच लेते हैं।